हाय दोस्तों, तो अब तक मोर देन 100 वीडियोस आप इस चैनल देख चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देन गो एंड चेक आउट माय स्टॉक प्लेलिस्ट, जहां पे मैं स्टॉक एनालिसिस करके मैंने एक प्लेलिस्ट डेडिकेटेड बनाया हुआ है। वहां पे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की स्टोरीज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दीज वीडियोज आर एजुकेशनल वीडियोज, और ऐसे ही एक एजुकेशनल वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, जहां पे हम डिकोड करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशन को। आपने जेन टेक्नोलॉजीज की वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड चेक दिस वीडियो। लास्ट वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉम्पिटिटर के बारे में, साथ ही जो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की थी कि किसी भी स्टॉक पे एंट्री करने के पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख करके ही एंट्री करनी चाहिए, और मैंने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस स्टॉक में देखी है। अपनी नजर शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। चलिए, बहुत सारे लोग जो है वो पी को देख करके घबरा जाते हैं। अगर पी 100 है, 200 है, या इवन 50 बियॉन्ड है, तो वो उसे टच ही नहीं करते। बट माई सिंपल पॉइंट इज हियर दैट पी इज जस्ट अ थंब रूल। ये सारे स्टॉक्स पे वैलिड नहीं है। पी उस केस में वैलिड होता है जब कंपनी मैच्योर स्टेज में आ चुकी है, उसके कैश फ्लो स्टेबलाइज हो रहे हैं या होने वाले हैं, उस केस में पी को आप यूज कर सकते हैं। पी को मॉडिफाई करके आप यूज कर सकते हैं फॉर अ ग्रोइंग कंपनीज लाइक जेन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। इन जनरल आपको ज्यादा पी देख करके एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि क्या ये कंपनी मैच्योर हो चुकी है, या ये कंपनी अभी भी नए बिजनेस मॉडल, नए प्रोडक्ट्स ला रही है, नए बिजनेस लाइन को ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट फेज में है, प्रोडक्ट वैलिडेशन होने वाला है। सो ये सारे फेजेज में पी यूज नहीं होती है। तो जेन टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही एक कंडीशन से गुजर रही है। सो इसीलिए पी इज नॉट द राइट यार्ड स्टिक टू जज जेन टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट। आज से 2 साल पहले आप पी यूज कर सकते थे जब वो सिर्फ और सिर्फ सिमुलेटर ट्रेनिंग में ऑपरेट कर रही थी, तब उसके पास ये ग्रोथ लीवर नहीं था जो कि आज की डेट में हम देख रहे हैं, जिसके कारण हम इसकी वैल्यूएशन भी कर रहे हैं। सो पी को ओवर यूज ना करें। मैंने चार्ली मंगर की एक बुक पढ़ी थी जो आपको भी पढ़नी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पुअर चार्लीज एलमनैक। सो पुअर चार्लीज एलमनैक में एक बहुत ही अच्छी बात ऑथर ने कही है, दैट अ मैन विद अ हैमर ऑलवेज लुक्स फॉर नेल। अगर आपके टूल बॉक्स में, वैल्यूएशन टूल बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइस बाय अर्निंग रेशियो होगा, देन यू विल एंड अप ओवर यूजिंग इट, विल यूज इट एवरीवेयर। तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के फ्यूचर बिजनेस का। तो किसी भी ईपीसी कंपनी का रेवेन्यू ड्राइवर होता है उसका ऑर्डर बुक। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वन पार्ट इज द ऑर्डर बुक फ्रॉम इक्विपमेंट सेल। सिमुलेटर रिलेटेड जो ऑर्डर बुक है वो मेजॉरिटी पोर्शन है, वो 155 करोड़ था 2018 में, और एम्स एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से 110 करोड़ का ऑर्डर बुक था। तो अगर देखते हैं कि आउट ऑफ 155 करोड़ का जो 31 मार्च 2018 का स्टार्टिंग पोजिशन था ऑर्डर बुक का, उससे उन्होंने 31 मार्च 2019 में कितने 70 करोड़ उन्होंने जनरेट किया आउट ऑफ ऑर्डर बुक ऑफ 155। अगर 70 को 155 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट अ परसेंटेज 45%, यानी कि रियलाइजेशन एज अ परसेंटेज ऑफ ऑर्डर बुक इन 1 ईयर। पीछे के साल का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एवरेज टाइम टू एग्जीक्यूट एन ऑर्डर इज जनरली 1 ईयर। तो एक साल में 45% ऑर्डर बुक रियलाइज हो रहा है, दैट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस। सो लाइकवाइज 19 में 76% कन्वर्ट हुआ, रियलाइज हुआ, और 2021 में 54% हुआ। तो अगर मुझे प्रोजेक्शंस करना है देन आई नीड टू नो कि नेक्स्ट ईयर में कितना होगा। तो मैंने अपना कोई भी ओपिनियन यहाँ पे नहीं डाला है। सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने इन तीनों का एवरेज ले लिया, एवरेज आ रहा है 58%। सो इस 58% को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 58% ऑफ लास्ट ईयर ऑर्डर बुक वुड बी जनरेटेड इन 2022। तो 72 करोड़ का ऑर्डर बुक था इक्विपमेंट सेल का, उसका 58% यानी 42 करोड़ रफली रियलाइज होगा इन 2022। लाइकवाइज 317 करोड़ ओपनिंग ऑर्डर बुक है फॉर 2022। सो उसका हम 58% लेते हैं तो दैट टर्न आउट टू बी 185 करोड़। लाइकवाइज एएमसी की भी रेवेन्यू को मैंने वैसे ही प्रोजेक्ट किया, तो एएमसी में रियलाइजेशन आर वेरी स्टेबल, लाइक 20%, 17%, 20%। सो इनका एवरेज आता है 19%। सो 120 करोड़ का 2021 का ओपनिंग ऑर्डर बुक था, उसके अगेंस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम एएमसी बिजनेस, और लाइकवाइज 2023 में 31 करोड़ का। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे 2022 और 2023 का रेवेन्यू मिल जा रहा है, विच इज 216 करोड़। और FY22 में आई एम एक्सपेक्टिंग 65 करोड़ ऑफ रेवेन्यू बेसिस दिस मॉडल, विच इज साइंटिफिकली ड्रिवन। इसमें मैं कोई सब्जेक्टिविटी नहीं ला रहा हूँ, ये
प्योरली मैथमेटिक्स बेस्ड है। अब मैं इसको सैनिटी चेक करता हूँ कि 65 करोड़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 9 मंथ पास हो चुके हैं, तो उसमें मैंने देखा कि 9 मंथ में दे हैव डन सम 60 ऑड करोड़, दे आर डूइंग बेटर देन दिस मॉडल। सो डेफिनेटली अगर 15 करोड़ और कर लेते हो तो 75-80 करोड़ का उनका नंबर होगा, विच वुड बी बेटर देन दिस मॉडल। सो मैं एक कंजर्वेटिव मॉडल लेकर के बैठा हूँ, ऑल आई वॉन्ट टू से दैट कंजर्वेटिवली भी अगर मैं बात करूँ तो 216 करोड़ हम देख पाएंगे रेवेन्यू इन 2023। रेवेन्यू के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है कॉस्टिंग। सो इस कंपनी का क्या है बिजनेस मॉडल की उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कंपनी के मैनेजमेंट ने 2-3 बार आउट लाउड बोला भी है दैट इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन दे नीड टू इनकर 40 करोड़। सो 40 करोड़ इज देयर फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ जाता है और R&D कॉस्ट भी आ जाता है। सो R&D पे भी वो रफली 15-20 करोड़ खर्च करते ही हैं और 20 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में। सो नेट नेट 40 करोड़ का वो एनुअल उनका एक्सपेंडिचर होता, इट इज़ अ फिक्स्ड ओवरहेड फॉर दिस कंपनी। सो फिक्स्ड ओवरहेड तो कंपनी ने बता दिया, मैं उसे अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी सही बोल रही होगी। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे पता चल गया, बट व्हाट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कुछ कॉस्ट ऐसे होंगे जो विच वुड बी अ फंक्शन ऑफ ऑर्डर बुक, विच वुड बी अ फंक्शन ऑफ न्यू ऑर्डर्स। तो वो निकालने के लिए मैं पिछले 3 सालों की ट्रैक हिस्ट्री निकालता हूँ। सो मुझे टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट पिछले 3 साल के पता है, वो कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल कॉस्ट जो है 87 करोड़ था और 47 करोड़ है। सो मुझे फिक्स कॉस्ट पता है तो मैंने उसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, 76 माइनस 40, यानी 36 इज़ माई वेरिएबल कॉस्ट। लाइकवाइज मुझे 3 सालों का वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गया। अब मैंने उसे एज अ वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाला है, तो दैट इज 39%, 31%, 14%। सो वॉट आई हैव डन इज आई डिड एवरेज फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स विच इज 28%। तो एवरेज कर देने से मुझे वेरिएबल कॉस्ट फॉर नेक्स्ट FY22 मिल जाएगा विच वुड बी 28% ऑफ दियर टॉप लाइन। तो वेरिएबल कॉस्ट मुझे आ जाएगा 18 करोड़ और लाइकवाइज FY23 में 51 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो दैट वुड बी टॉप लाइन माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सो ये बेसिकली G9 माइनस G10 है, यानी जी। तो मैंने सारे कॉस्ट इसमें रिड्यूस कर दिए, तो 65 रेवेन्यू में मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच इज समेशन ऑफ दीज टू कॉस्ट 40 + 18 58 जो रिड्यूस हो रहा है, सो ये दोनों मैंने घटा दिए, तो मुझे 65 - 58 7 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगी, और जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकता हूँ बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉट ह्यूज अमाउंट। डेट फ्री कंपनी है तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं है, डेप्रिसिएशन स्मॉल है बट मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। लाइकवाइज मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट PBT जो है वो 125 करोड़ मिलेगा अगर मैं टॉप लाइन एज्यूम करूँ 216 करोड़। सो उस पर मैं 30% का टैक्स दे देता हूँ, तो मुझे 87 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल रहा है 2023 में। 2022 तो अभी क्लोज हो रहा है, सो ये जो नंबर होता है वो 5 करोड़ का है, लेकिन इससे ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी मेरे हिसाब से। बट लेट्स फोकस ऑन 2023, आज से 1 साल बाद, एग्जैक्टली 1 साल बाद जब इस कंपनी का रिजल्ट आएगा तो दैट पैट वुड लुक लाइक समथिंग लाइक 90 करोड़। सो अब इस बेसिस पे अब हम वैल्यूएशन करते हैं। तो ये हो गया, मैंने प्रोजेक्शन कर लिया, बाय एंड लार्ज मुझे अर्निंग पता चल गई। अभी मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की जो है वो गेस करना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आज के डेट में हम PE देना चाहें इस कंपनी को, तो इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। BEL का पिछले 10 साल का एवरेज PE रेशियो इज 18.4। तो लेट्स जस्ट डू सिंपल मैथमेटिक्स की अगर ये BEL कंपनी का नंबर होता तो इसको कितना वैल्यू मिलना चाहिए था। तो PE रेशियो इज 18 एंड प्रॉफिट अर्निंग इज 87। सो 87 मल्टीप्लाइड बाई 18 आई विल गेट 1607 का थ्योरेटिकल मार्केट कैप मुझे आज की डेट में इस कंपनी को वैल्यू, इस कंपनी की फेयर वैल्यू होती अगर ये BEL होती। तो करंट मार्केट कैप जो है वो 1550 का है, तो इसमें भी मुझे डिस्काउंट पे है, यानी कि रफ 5% का डिस्काउंट यहाँ पे भी दिख रहा है अगर ये कंपनी BEL होती, विच इज़ अ PSU कंपनी, डिफेंस प्ले है बट PSU कंपनी है। बट आई थिंक दिस कंपनी इज नॉट अ PSU कंपनी, दिस इज स्लाइटली बेटर देन BEL। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि PE इस कंपनी का आज से 2 साल बाद क्या होना चाहिए। लेट्स डीकोड कंपनी की स्टॉक प्राइस और अर्निंग ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है। स्टॉक प्राइस इज द स्लेव ऑफ अर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज स्क्रीनर पे रहती है जो मुझे बहुत ही पसंद है, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो वहां पे नीचे में एक टेबल रहता है जहां पे 4 रेशियो रहते हैं, 4 नंबर रहते हैं। 1 इज द कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस कैगर
एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। बट अगर आप अर्निंग ग्रोथ रेट और स्टॉक प्राइस ग्रोथ रेट को कंपेयर करोगे इन सर्टेन केसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी रिलायंस को लेता हूँ, रिलायंस की अर्निंग ग्रोथ और रिलायंस की स्टॉक प्राइस ग्रोथ में एक डिफरेंस, वो डिफरेंस कहाँ से आता है? इफ यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन देन आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। नॉट जस्ट रिलायंस जो कि एक मैच्योर कंपनी है, कुछ न्यू एज कंपनी जैसे एचएलई ग्लासकोट जो कि एक हाई पी स्टॉक है, उस केस में भी अगर आप देखेंगे तो इसकी तो स्टॉक प्राइस का ग्रोथ रेट और अर्निंग के ग्रोथ रेट में एक डिफरेंशियल है। एंड माय फ्रेंड द डिफरेंशियल कम्स फ्रॉम रिटर्न ऑन इक्विटी। जो अर्निंग ग्रोथ से ज्यादा स्टॉक प्राइस ग्रोथ तब आता है जब कंपनी एक स्टेबल रिटर्न ऑन इक्विटी प्रेजेंट करती है टू इट्स शेयर होल्डर्स, और वो रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी डिसेंट इनफ, शुड बी गुड इनफ। एटलीस्ट अगर वो 15, 18, 20 के आसपास आरओई जनरेट कर पाती है, देन स्टॉक प्राइस कैगर जो होता है वो प्रॉफिट कैगर से हमेशा ज्यादा होता है। इसके बहुत सारे बैक टेस्ट मैंने किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस और एचएलई का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आई हैव डन दिस ऑन माय डेस्कटॉप मेनी मेनी टाइम्स एंड आई फाउंड दिस फॉर्मूला टू बी मोर यूजफुल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। That अगर आप पीई निकालना चाह रहे हैं तो पीई जी रेशियो होता है, यानी पीई को जी से कंपेयर करते हैं, जी यानी ग्रोथ। तो यहाँ पे मैं जी यानी अर्निंग ग्रोथ को सिर्फ नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं अर्निंग ग्रोथ प्लस आरओई पीई विच कैन बी इक्वेटेड टू आरओई प्लस प्रॉफिट ग्रोथ। दिस इक्वेशन डजंट वर्क इन वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर काइंड, इसके लिए आपको 5 years, 10 years का होराइजन देना पड़ेगा। सो जब भी आप इसे अप्लाई करें तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ 4-5 year काइंड ऑफ वेशन फ्रेमवर्क इन माइंड। इन टेक्नोलॉजी के केस में अगर ये कंपनी अर्न करती है रफली 87 करोड़ का अर्निंग, तो अगर हम 5 साल पीछे जाते हैं यानी कि ईयर 2018 में जाते हैं, 2017 में जाते हैं, वहां से अगर हम 5 साल आगे देखते हैं विच इज ईयर 2023, 18 से 23 की जर्नी अगर हम कैच करना चाहते हैं इन फैग एंड इस कंपनी को आफ्टर 2023 के रिजल्ट्स के बाद हम इसे देखेंगे, देन इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी जो होगी वो उस साल 29% होगी। बट हम पिछले 5 सालों की एवरेज करें तो ये 15% होता है। तो कंपनी वुड बी गिविंग एन एवरेज ऑफ 15% ऑफ आरओई। नाउ लेट्स गो बैक टू प्रॉफिट कैगर। तो 2018 में कंपनी वाज मेकिंग समथिंग अराउंड 13 करोड़ का प्रॉफिट, और जो 87 करोड़ के प्रॉफिट यानी के तक पहुंचने के लिए उसे अराउंड 60% का प्रॉफिट कैगर चाहिए होगा। सो पीक पी जो कि बुल केस है उसके बुल केस में पीक पी वुड बी समथिंग अराउंड आरओई प्लस प्रॉफिट केगर आफ्टर 5 years, सो विच इज 2 years फ्रॉम नाउ। सो इस केस में 60% प्लस 15% यानी रफली 75 का ग्रोथ रेट इस कंपनी को मिल सकता है। सो 75 का ग्रोथ यानी 75 का पी मैं इसको इजिली ट्रांसलेट कर सकता हूँ, तो 75 का अगर एग्जिट मल्टीपल इसको मिलेगा इन ईयर 2023, देन तो 75 टाइम्स ऑफ अर्निंग विच इज 87 crores, बुल केस मार्केट कैप वुड बी 6620। बट इन दैट केस अगर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करें, आज के रेट में 1500 करोड़ की मार्केट कैप है तो रफली 4x का रिटर्न है, तो 300% रिटर्न इस केस में मिल सकता है इन बुल केस आफ्टर 1.5 years फ्रॉम नाउ। अगर मैं बेस केस की बात करूं जहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मैंने ऑप्टिमिस्टिक पी लिया है उसे मैं कम एवरेज कर देता हूँ विद बीईएल, बिकॉज दिस इज टू ऑप्टिमिस्टिक, मैं उसको एवरेज कर देता हूँ 18 और 76 का एवरेज, इट कम्स अराउंड 47। So 45 की PE अगर मैं इसे exit multiple देता हूँ, then the market capitalization of this company after 1.5 year would be something around 4,100 crore. उस केस में भी अगर आप exit करते हैं, then you will be end up generating 165% of growth. So in both cases you will end up making lots of money. So you might say कि मैंने बहुत सारे assumptions ले लिए हैं, मैंने 2-3 assumptions लिए हैं जो कि इस एक्सेल शीट पे येलो में हाईलाइटेड है। यू कैन ट्वीक अराउंड विद द अजम्पशंस, मैं ये फाइल शेयर भी कर दूंगा, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, डू वन चेंज इन द वैल्यूएशन पैरामीटर अजम्पशन दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने अज्यूम किया दैट 40 करोड़ विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट दे विल बी इनकरिंग एवरी ईयर, लेट्स अज्यूम दैट दे एंड अप इनकरिंग 50 करोड़ अ ईयर, उस केस में भी ऑन एन एवरेज यू विल एंड अप गेटिंग अ 3-bagger। So 200% रिटर्न आपको मिल जाएगा अगर 50 करोड़ का फिक्स कॉस्ट ओवरहेड वो कर देते हैं, अगर आरएनटी पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं तो इनकी वैल्यू, तो इनकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी।
वेरिएबल कॉस्ट को भी अगर वो ट्वीक कर देते हैं, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी 40% ऑफ योर टॉप लाइन कर देता हूँ, कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स में जो है वो ग्रॉस मार्जिन जो है वो थोड़े कम है, हालांकि सिमुलेटर्स में ज्यादा है, सो बट 70% का ग्रॉस मार्जिन वो जनरली बना रहे थे इन केस ऑफ सिमुलेटर ट्रेनिंग. सो लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, इन दैट केस ऑल्सो यू विल एंड अप विद अ टू बैगर विथ मोर देन 115% काइंड ऑफ रिटर्न इन ऑन एन एवरेज. So this is the theoretical framework which I have developed for you. So that's how you should look at valuations. So I can see a margin of safety of around 1x. So mere hisab se valuation jo hai, even in the worst case, if I assume that orders jo aaye hain wo sahi tarike se culminate hote hain. So pichle 7 mahine mein is company ne more than 350 crore ka order jeeta hai. Usme se important one are 120 crores ka contract, export contract in simulator training, 155 crore in anti drone systems jiske karan ye company limelight mein aayi hai, and 477 crore is a written order. Sirf uske basis pe hi valuation kar rahe hain, then we are getting around 2x kind of return in 1.5 years. So that gives us a good opportunity to look at the stock. So basically इस वीडियो का आइडिया था दैट यू डोंट एंड अप यूजिंग ओवर यूजिंग पीई, और पीई को ग्रोइंग स्टेज कंपनी में ना यूज करें. दैट इज अ फाइनल एडवाइस फ्रॉम माय साइड. सिमुलेटर्स में इनके पास बहुत कम कंपटीशन. सिमुलेटर्स में इसकी कॉम्पिटिटर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स एंड अल्फा डिजाइन ट्रेड लिमिटेड. सो ये तीन कंपनियां हैं. ये है गोवा शिपयार्ड भी बेसिकली शिपिंग बिजनेस में है, वो नेवल के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बनाती है. महिंद्रा का भी ऐसे ही एक यूनिट है जो ये कर रहा है, एंड अल्फा डिजाइन ट्रेड इज ऑल्सो इन दिस बिजनेस. तो सिमुलेटर में दे हैव थ्री कॉम्पिटिशन. तो ड्रोन में एक डेवलपमेंट ये हुआ है दैट डीआरडीओ ने एक इन हाउस डेवलप किया है एक ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम को फॉर मैन्युफैक्चरिंग. उन लोगों ने टाई अप किया हुआ है विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL. सो BEL ने अंडर विद द हेल्प ऑफ DRDO जो एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया वो दे एंडेड अप विनिंग अ नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम का जो ऑर्डर था उन्हें मिला है. सो कॉम्पिटिशन इज जस्ट BEL एंड L&T अदानी और टाटा के साथ. DRDO वॉन्ट टू डू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट एंड दे वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर, लेट देम मैन्युफैक्चर, बट वो अभी स्लाइटली सम टाइम अवे है. अभी कहीं से कोई इंटरेस्ट, मुझे कोई फर्म कमिटमेंट नहीं दिखाई दिया फ्रॉम दीज लार्ज बिजनेस हाउसेस. स्टिल इट इज सम टाइम अवे. ये कंपनी ने भी इन हाउस 3-4 सालों के मेहनत के बाद R&D एक्सपेंडिचर करने के बाद ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है. सो विच मेक्स देम नंबर वन कंपनी इन कंट्री. So the technology wise they are far far ahead of others. They have cutting edge technology and they are cost leader as well. So that is a deadly combination. Or in this particularly in the segment jahan pe counter drone ki bahut zyada requirement hai, aur counter drone industry is such industry jo kafi dynamic hai. Kabhi bhi koi drone agar Jammu and Kashmir ya kahin pe kisi bhi bordering स्टेट में एंटर करता है विथ डेंजरस मटेरियल, देन दैट वुड बी अ गुड ट्रिगर. हालांकि ये ट्रेंडिंग अनसर्टेन है, और इस तरीके के इंडस्ट्री में एक रिस्क रहता है वो ये कि कैश फ्लो लंपी होते हैं, बिकॉज ये ट्रेंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इनका बिजनेस होता है. तो अगर टेंडर आने बंद हो गए देन इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी नीचे हो जाएगी. बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रोइंग थ्रेट जिसको ये काउंटर कर रहे हैं. सो इट इज समथिंग लाइक अभी इंटरनेट इंडस्ट्री के पहले आपने किसी एंटीवायरस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया हो. इट इज अकीन टू दैट, क्योंकि इंटरनेट के साथ साथ वायरस भी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ वायरस भी बढ़ रहा है. तो ड्रोन्स आर लाइक वायरस जिसको कैटर करने के लिए काउंटर ड्रोन्स इज अ मस्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट. सो जैसे जैसे नए तरीके के ये ड्रोन यूज हो रहे हैं, जैसे कि आर्मेनिया अजरबैजान वॉर में ड्रोन के कारण अजरबैजान वॉन द वॉर. ज्यादा खर्च किए बिना, ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट किए बिना दे वॉन द वॉर जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रोन. So drone are very small things, but they are very effective and important. That's why drone ko hum nazar mein rakhte hain, or we keep looking at this sector. But currently, I think this is a good stock keep under the portfolio. So I am going to buy. You can decide of your own. I have started Sathan membership. If you want to invest with me and if you want to learn from me, then this is a good place to explore. So Sathan membership ke liye aap mujhe WhatsApp kar sakte hain on the number given. Thanks for watching.